हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक सैंडविच ग्रिलर की कंप्लेंट को पूरा करने। और अपने ही सैंडविच ग्रिलर को आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने आउटलेट पर और आगे का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सैंडविच ग्रिलर को आप खुद मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटेड वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, अभी हम आए हैं ये ग्रिलर की कंप्लेंट करने। ये देखिए सैंडविच ग्रिलर है, इसने काम करना बंद कर दिया है। दोस्तों, ग्रिलर की रिपेयरिंग से पहले सबसे पहले आपको इसके अंदर पावर चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो इसकी पावर को चेक करना होता है। हमने सारे स्टेप इसमें पहले इसलिए कर लिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको पहले इसको पावर चेक करनी है, उसके बाद इसमें करंट चेक करना है क्योंकि कभी कभी होता है कि करंट आता है। अगर करंट जैसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप मेन लाइन अपनी नई लेकर जाएं और उसके साथ इसके वायरिंग को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऐसा मेन लीड अलग से कैरी करना है, जिसके बाद सबसे पहला स्टेप जो होता है इसके पावर टेस्टिंग का होता है। अगर वो चीज़ ओके है, इसके बाद आपने इसके अंदर जो हीटर लगे होते हैं उन पॉइंट्स को, जी हाँ, इसके दो तार पावर में लगाने हैं और दो तार आपने हीटर के पॉइंट में लगाने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और उसको आपने ये चेक करना है कि ये हीटर ज़िंदा है कि नहीं। और थोड़ी देर जब आप लगा के रखेंगे तो हीटर गर्म होने लगेगा, इसका मतलब हीटर सही है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हीटर की प्रॉब्लम है, और अगर हीटर की प्रॉब्लम है तो आप इसमें हीटर डाल सकते हैं। अदरवाइज हीटर भी अगर आपका सही है, हीटर आपका गर्म हो रहा है, हीटर सही है, इसके बाद आप ये सर्किट चेक कर सकते हैं। देखिए ये ऑन ऑफ है, ये थर्मोस्टेट है, ये इंडिकेटर है। तो इसके हमने हीटर चेक कर लिए हैं, इसके हीटर ओके हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जो प्रॉब्लम इसके जो पावर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि थर्मोस्टेट हो गया, स्विच हो गया, इंडिकेटर हो गया, इसके अंदर इसकी प्रॉब्लम है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये चीज़ें पहले ही चेक कर ली हैं। अब मैं इनको प्रॉपर तरीके से ठीक करके आप लोगों को दिखा। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसका वायरिंग प्लेट जो है, इसका वायरिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज कर दिए हैं। इसका थर्मोस्टेट भी चेंज कर दिया है, इंडिकेटर भी चेंज कर दिया है जो कि प्रॉब्लम था जिसमें, और अभी ये टेस्टिंग पर डला हुआ है और ये वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये अभी ऑफ है और ये ऑन करते ही आपको इंडिकेटर शो हो रहा है, इसका मतलब ये वर्किंग पोजीशन पर है। और जैसे ही इसके अंदर टेम्परेचर आ जाएगा जो भी आपको चाहिए, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, और उतने पर आपको सेट करना है। जैसे ही टेम्परेचर इसका आ जाएगा तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, जो कि इंडिकेट आपको करेगा कि अब इसके अंदर टेम्परेचर आ गया है। तो अभी हमने इसको 150 डिग्री पर कर दिया है और अभी ये वर्किंग पोजीशन पर है, टेस्टिंग पर है। अभी हमने इसको 250 डिग्री के टेम्परेचर पे सेट कर दिया है और 150 डिग्री का टेम्परेचर इसके अंदर आ चुका है, जो कि ये कट ले रहा है। और 250 डिग्री, ये देखिए 250 डिग्री का टेम्परेचर इसके अंदर आ गया है, और जैसे ही हम इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। जी हाँ, ये अभी ये ओके है, और इसके अंदर जो कमी थी वो इसके ये थर्मोस्टेट के अंदर थी। इसका पहला वाला थर्मोस्टेट जो था वो पूरी तरीके से डेड हो गया था, जिसके कारण मशीन नहीं चल पा रही थी। तो दोस्तों, सभी पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं कि एक इलेक्ट्रिक सैंडविच ग्रिलर को सेल्फ मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई इंक्वायरी है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो अभी दोस्तों, ये हम आउटलेट पर ही हैं और मैं वेट कर रहा हूँ मशीन के फीडबैक का, जो हमने मेंटेनेंस किया है।
और टेस्टिंग के दौरान अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो कोई भी आप मशीनरी को मेंटेनेंस करते हैं या रिपेयरिंग करते हैं, तो 15 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा मशीन के रिस्पॉन्स को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप काम करके निकलें और क्लाइंट को प्रॉब्लम आ जाए। तो वहाँ पर रहकर आप एक बार मशीन की री टेस्टिंग ज़रूर करें, जैसे कि मैं अभी वेट कर रहा हूँ मशीन के री टेस्टिंग का। तो अभी क्या रिस्पॉन्स है? गरम होने के बाद ब्रेड ग्रिल कर देखेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर। चलिए बिल्कुल ठीक है, अभी तक तो प्रॉपर। चलिए सर, मेहनत हमारी कामयाब हुई और दिल से करते हैं इसलिए कामयाब हो जाती है। और अच्छा काम किया है, काम में कोई जरूरी नहीं है। चलिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।